Yes, I welcome all the parents and students to today's PTM. So far, three students along with their parents joining in. So roll number 25, this 24 Jia Negi is present. I think this Mahak, roll number 26, and roll number 27 Padak. So far, three students are joining in. Soon, yes, more parents now they are joining in. So first, yes, I request all the students please switch on the video so that I can confirm that the parents are also sitting along with you. So switch on the video for a while. Later on, you can switch off also. So sabhi students se main request kar raha hu ki aapne video on karni hai thodi der ke liye, so that ki mujhe confirm ho jaye ki that you all are sitting with your parents. Right, because this is very important. For a while you have to switch on, after that you can switch off also. So this is the attendance basically, because attendance aapki tabhi ek tarike se confirm ho sakti hai. स्विच ऑन योर वीडियो स्टूडेंट फॉर अ वाइल, उसके बाद फिर ये आप स्विच ऑफ कर लेंगे. देयर इज नॉट अ बिग इशू. राइट, यस. सो यस, इसमें अटेंडेंस मैं देख, पहले अटेंडेंस होंगी स्टूडेंट्स आपकी. तो दिस इज बेसिकली, दिस टाइम इज अलॉटेड टू रोल नंबर 22-28. यस, शिवम रावत, व्हाट्स योर रोल नंबर शिवम रावत? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी मैम, बताइए. सर योर वॉइस इज नॉट लाउड. ओके, yes, yes, now I am audible. So your voice is coming so low and we can't hear it properly. Okay. यस, फर्स्ट आई विल टेक द अटेंडेंस. तो अटेंडेंस में मार्क कर रहा हूँ. तो आई थिंक रोल नंबर वाइज फर्स्ट विल सी दीप्ति. आई थिंक सी इज नॉट ज्वाइन इन. जतिन, जतिन ने भी ज्वाइन नहीं करे हैं. जिया नेगी प्रेजेंट? प्रेजेंट सर. राइट राइट. कुमारी, स्वाति रावत, देन नेक्स्ट मैक इज प्रेजेंट? प्रेजेंट सर. Yes, then next Palak. Present sir. Roll number 28 Priyanshu Bhatt. Present sir. Yes, Shivam Rawat, what's your roll number? Shivam, apna roll number bataiye. Shivam Rawat.
Are you in 9th A? What's your section? Shivam Rawat? I think your name is not in there in the list. I think aapne wrong section mein aapne join kar liya hai, Shivam Rawat. Right? और अगर आपका 9th है तो आप अपना रोल नंबर बताइए. ओके आई थिंक शिवम रावत इज इन नॉट इन योर सेक्शन. ओके सो फार 4 स्टूडेंट्स एंड प्रेजेंट अलोंग विद देयर पेरेंट्स. नाउ आई एम स्टार्टिंग टुडेस पीटीएम. ऑलरेडी अटेंडेंस आई हैव टेकन. सो फार 4 स्टूडेंट ज्वाइनिंग इन. के अलावा बाकी स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट नहीं है. 22, 23, 25 सो दीज 3 स्टूडेंट्स स्टिल नॉट ज्वाइनिंग इन. नाउ फर्स्ट आई विल डिस्कस द रिजल्ट. तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे पहले कि वीडियो ऑन करें, क्योंकि पेरेंट्स ये कंफर्म करना जरूरी है कि पेरेंट्स आपके साथ है कि नहीं. ओके तो ये रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा. So now, first I am discussing result according to your roll number. Yes. So Palak, I can see your parents with you. Yes. So एक बार आप on करके फिर video off भी कर सकते हो, कोई problem नहीं है. Yes. Okay. Palak. Yes. Now yes. Jia Negi is there. Priyanshu Bhatt. Video एक बार switch on कर ले, so that कि confirm हो जाए parents आपके attend कर रहे हैं meeting. मैक रावत, प्रियांशु, आई थिंक इज नॉट देयर. प्रियांशु भट्ट, मैक रावत. ओके नाउ आई एम स्टार्टिंग टुडेज डिस्कशन. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस द रिजल्ट. ओके मैक रावत, यस पेरेंट्स विद यू. ओके नाउ नेक्स्ट. यस फर्स्ट हमारे जो रोल नंबर है, रोल नंबर 22 नॉट प्रेजेंट, 23, 24. तो जिया नेगी. तो यू गॉट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है. देन हिंदी सब्जेक्ट ऑल्सो, हिंदी में भी अच्छे मार्क्स हैं. तो लिटिल बिट यू नीड टू इम्प्रूव इन साइंस एंड रेस्ट इज फाइन. सो आई थिंक इन द कमिंग एग्जाम यू विल परफॉर्म वेल. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयर एग्जाम. तो जिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है और रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. और रेस्ट ऑफ दी जो सब्जेक्ट्स हैं आई एक्सपेक्ट दैट कि कम एग्जाम्स में उसमें भी आप अच्छा स्कोर करेंगे. राइट नाउ नेक्स्ट कुमारी स्वाति रावत नॉट प्रेजेंट. देन महक रावत. तो महक रावत रिजल्ट नाउ आई एम डिस्कसिंग. हिंदी सब्जेक्ट इज स्कोर्ड गुड मार्क्स. देन SST also scored good marks. इसके अलावा जो कम मार्क्स अभी थोड़े लेस मार्क्स हैं इन इंग्लिश सब्जेक्ट. सो यू नीड टू इम्प्रूव इन इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके एंड ऑल्सो यू नीड टू इम्प्रूव इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट. सो इन 2 सब्जेक्ट यू स्कोर गुड मार्क्स बट रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट यू नीड टू वर्क हार्ड. सो आई होप हाफ ईयरली एग्जाम यू विल स्कोर वेल. दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. राइट सो मैक रावत जस्ट इम्प्रूव इन अदर सब्जेक्ट जस्ट लाइक दीज 2 सब्जेक्ट हिंदी एंड SST. ओके नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस द रिजल्ट. तो जिया नेगी रिजल्ट आई हैव डिस्कस. इसके बाद महक रावत डिस्कस आई हैव डिस्कस रिजल्ट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट रोल नंबर इज पलक. यस पलक इज प्रेजेंट. सो यू डिड अ वंडरफुल जॉब इन ऑल द सब्जेक्ट्स. यू स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स एंड वेरी गुड मार्क्स इन दिस हिंदी एंड साइंस सब्जेक्ट. सो इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू परफॉर्म्ड वेरी वेल. सो आई होप that in the coming exam you will show your consistency and you will perform in the same manner. So well done Palak. So काफी अच्छे score करा आपने in the test first में. Now
Next roll number, Priyanshu Bhatt. Priyanshu Bhatt, so I think you are absent in two subjects. So you have not attended two subjects, that is Hindi and Science. Is that so, Priyanshu? आपने दो सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं दिए हैं, हिंदी और साइंस, ठीक है? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. अटेंड नहीं कर पाए, व्हाट इज द रीजन, प्रियांशु? पेपर आप नहीं दे पाए, इसका क्या कारण है? ठीक है, सो ही इज ऑल्सो नॉट रेडी टू डिस्कस. बताइए प्रियांशु भट्ट, रोल नंबर 28, दो सब्जेक्ट में आपका एब्सेंट मार्क हो रखा है यहाँ पे, हिंदी और साइंस में. सर नेटवर्क. हाँ बताइए प्रियांशु. हाँ जी बताइए, क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं, जल्दी बताइए. दो सब्जेक्ट में आपका एब्सेंट मार्क हुआ है प्रियांशु, ठीक है? तो हाँ फेले में अच्छा आप परफॉर्म करिए. नाउ आई एम डिस्कसिंग द अदर सब्जेक्ट मार्क. सो आफ्टर सीइंग अदर सब्जेक्ट मार्क, आई कैन से दैट यू नीड टू इम्प्रूव इन ऑल द सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म करना है, बिकॉज दिस टाइम यू हैव नॉट स्कोर्ड वेल. ओके, सो हाफ फेले इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन विच यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एंड प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट. So now I have discussed all the results with the students who are present in this very meeting. Now student, next is now we'll discuss about your half yearly. So I think schedule all of you know ki aapka schedule sabhi ko mil chuka hai. So your exam will start from 6th October and your last exam on 17 October, ठीक है? तो हिंदी फर्स्ट एग्जाम आपका जो 6 अक्टूबर को होगा, और सोशल स्टडी सोशल साइंस 17 अक्टूबर को आपका लास्ट एग्जाम है. तो थ्री सर्कुलर्स अभी आपको इसके रिगार्डिंग मिल गए होंगे. फर्स्ट इज योर डेट शीट, सेकंड जो है आपका सिलेबस, रिगार्डिंग सिलेबस आल्सो यू विल गेट वन सर्कुलर, एंड थर्ड इज गाइडलाइन फॉर हाउ टू अटेंड द एग्जाम. तो थर्ड जो आपको मिला है वो है सर्कुलर गाइडलाइन फॉर हाफ फेली एग्जाम. सो गो थ्रू इट वेरी वेल सो दैट यू डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द एग्जाम. सो नाउ आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, इफ यू हैव एनी सजेशन सो यू कैन फॉरवर्ड इट. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू कि किस तरह से एग्जाम्स होंगे. यस, यदि कोई पेरेंट्स को सजेशन देना चाह रहे हैं, सो राइट नाउ यू कैन फॉरवर्ड योर सजेशन. ओके, तो आई थिंक अभी सेशन अभी नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर में आप दे सकते सेशन, नो प्रॉब्लम. तो टिल द टाइम आई विल डिस्कस कि जो स्टूडेंट अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, तो एक गाइडलाइन इशू करी गई है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो एग्जाम होंगे उसको किस तरह से आपने अटेंड करना है, राइट? तो यू नीड टू रीड दैट सर्कुलर थॉरली एंड देयर इज यू विल गेट 2.5 टाइम टू एंड हाफ आवर्स टाइम, तो 2.5 घंटे आपको मिलेंगे. और यू नीड टू राइट द पेपर एंड लेटर ऑन यू विल क्लिक एंड यू विल कन्वर्ट इट इन 1 PDF. सभी को एक PDF में आप कन्वर्ट कर लेंगे एंड लेटर देन यू विल सबमिट ऑल्सो, राइट? तो एट पर जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आपने अपना एग्जाम सबमिट करना है हाफ ईयरली का, ठीक है? तो उसको गो थ्रू कर लीजिए एक बार, कहीं भी डाउट हो तो ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस आप डिस्कस कर सकते हैं विद योर क्लास टीचर, विद सब्जेक्ट टीचर एंड इवन विद मी. तो उसको देख लीजिए. तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया किस तरह से उसमें आपका प्रोसीजर रहेगा. और टाइम लिमिट 2.5 आवर्स की टाइम लिमिट है, 11 AM टू 1:30 AM आपका एग्जाम होगा, ठीक है? और आपको लिंक प्रोवाइड होगा जिसके थ्रू आपने अपना जो आपका सॉल्यूशन है उसको अपलोड करना है, राइट? तो उसके लिए रिगार्डिंग और गाइडलाइन से भी आपको आएंगे.
Now next, so one thing that is basically important, that many students are not continuing, they are not joining their online classes regularly. So this is a issue which I want to share with you. So basically, students, and I request all the parents that make sure your child attend regularly the online classes, because through these medium only they can improve. So whatever they have, suppose if they find any doubt in like worksheet, in video, so they can ask in the online class. So इस तरह से तभी schedule बनाया गया है कि यदि कोई doubt होता है, जैसे आप worksheet आपके पास आती है, उसमें आप देखते हैं, then video आप go through करते हैं, and if you not understand any topic, you find difficulty in understanding a particular topic, so then you can ask in the online class also, okay? And in online class you also study different topics, so don't miss it. तो यही मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि आप क्या करें कि ये मेक श्योर करें कि कोशिश करें कि सभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें. सो इट्स कंपलसरी बिकॉज नेक्स्ट ईयर दे हैव अ बोर्ड. सो बोर्ड, फॉर बोर्ड दे मस्ट हैव अ वन पर्टिकुलर पैटर्न, स्टडी पैटर्न मस्ट बी देयर, प्लानिंग रिक्वायर्ड. सो द वे दे प्रिपेयर देमसेल्फ दिस ईयर, सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन द नेक्स्ट ईयर इन द बोर्ड. तो एक शेड्यूल बनाना है आपने और उसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करें. तो कई स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्टडीज को कम टाइम देते हैं, लेट्स से 2 hours, 3 hours, तो दैट इज नॉट इनफ. ओके, तो उसको थोड़ा बढ़ाएं, 6 to 7 hours करें, 5 hours, तो धीरे धीरे करें अपने कैपेसिटी के अनुसार. तो ऐसे नहीं कि आप एकदम से आप 6 hours, 7 hours कर पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आप धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएं कि 3 hours करा, फिर 3.5 hours करा, फिर 4 hours, तो स्लोली स्लोली अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप उसको बढ़ाइए, ठीक है? एंड दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस. तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो ये टाइम है जिसमें आप अपने इन जो वीकनेसेस हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं. तो मैथ्स में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस इज मस्ट. सो आई फाइंड दैट मैनी स्टूडेंट जस्ट प्रैक्टिस ओनली 10 questions, 15 questions, सो दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ. सो जस्ट गो फॉर 15 questions, 20 questions, 25 questions, 50 questions. तो कोशिश करें कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसको बढ़ाएं, 20 से 50 questions तक ले जाएं, ठीक है? Yes, so this is all about the important information, that is your half yearly. Yes, any parent want to give, if you want have any session right now, you can share. कोई सजेशन रिगार्डिंग कहाँ आपको डिफिकल्टी आ रही है, स्टूडेंट्स को कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, तो इसके रिगार्डिंग आप अभी बता सकते हैं, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इट. ओके, सो यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर योर सजेशन राइट नाउ इफ यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, कहीं भी आपको डिफिकल्टी आ रही है. ओके, तो स्टूडेंट्स में एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि कई स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, कि लाइक वीडियोस आ रही है, वर्कशीट आ रही है, तो दे आर आस्किंग टीचर्स दैट फॉर वर्कशीट, दे आर आस्किंग रिक्वेस्टिंग टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स, प्लीज सेंड दिस पर्टिकुलर वर्कशीट टू मी. ओके, तो इट मीन्स समवेयर दे आर नॉट फॉलोइंग, सो यू नीड टू फॉलो इट. जैसे वर्कशीट आती है उसको गो थ्रू करें, वीडियो आती है उसको गो थ्रू करें, तो इन दिस मैनर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ. ओके, और दिस इज द टाइम इन विच यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर अ कमिंग एग्जाम. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द कमिंग वीक, मोस्टली दिस ऑनलाइन क्लासेस बेसिकली वी विल रिवाइज द थिंग, सो यू विल फाइंड द रिविजन इन द कमिंग ऑनलाइन क्लासेस. ओके, तो रिविजन हमारी तरफ से भी स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में, जो भी आपके भी नेक्स्ट होंगे. सो यू ऑल्सो स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द प्रीवियस चैप्टर, सो दैट यू फाइंड no difficulty in the coming exam and you scored very good marks. So I think students, all the things are now clear to you. So already maine aapke parents se ye sab discuss kar liya hai ki kis tarah se aapka schedule rahega 6 to 17, aur syllabus already aapko pata hi hai, aur syllabus circular bhi aaya hai, aur group mein aap se check karenge. And third is guideline how to attend the half yearly exam is very, very important.
सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार ध्यान से देख लें और इसको स्टार मार्क कर लें, सो दैट कि आप कहीं उसको सर्च कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको स्टार मार्क आप कर लें व्हाट्सएप ग्रुप में और लेटर ऑन उस पर वर्क करें। इवन यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो, और उसको प्रैक्टिस कर लेंगे और कमिंग ऑनलाइन क्लासेस में इसको मैं भी डिस्कस करूँगा आपके साथ कि कैसे आपको इमेज को PDF कन्वर्ट करना है। तो आदर आई विल प्रिपेयर वन वीडियो फॉर यू और आई विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स तो कर लेते हैं, तो कुछ ही स्टूडेंट्स जिनको डिफिकल्टी आएगी, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो पता है कि हाउ टू कन्वर्ट द इमेज फाइल टू PDF फाइल, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी उतना यूज टू नहीं है, उतना इसमें प्रैक्टिस में नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्टली एक बार और मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई पेरेंट्स कुछ अपना सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नोटबुक सबमिशन? यस, हाँ, नोटबुक सबमिशन ऑलरेडी कॉपी करेक्शन वर्क इज स्टार्टेड फॉर जूनियर सेक्शन, सोन यू विल गेट सर्कुलर फॉर सीनियर सेक्शन ऑल्सो। बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ केसेज ऑफ कोरोना, सो एट प्रेजेंट ऑन दिस चेकिंग इज नॉट गोइंग ऑन, बट सोन यू विल गेट सर्कुलर रिगार्डिंग दैट। ऑलरेडी आई थिंक अप टू क्लास 6 करेक्शन इज डन, ओके, सो सोन यू विल गेट सर्कुलर एंड कॉपी स्कूल विल कलेक्ट फ्रॉम यू, तो कॉपी आपको आई थिंक सबमिट करनी होगी और फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। So now, at last, I thank all the parents and students for attending today's PTM. So all the best students for coming exam. Just work hard and perform well in the coming half yearly. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.